एवरीवन, मेरा नाम सहर असी अगला कलाम सो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आप रहे तो आप रहे ना, पता नहीं भूल गए तेरे गया यार। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो आज वीडियो लेकर हम बड़ी जबरदस्त किस्म के आने वाले। इसमें हम देखने वाले हैं इंडियन और पर्शियन कपल आना। तो जो मतलब ईरानी लड़कियां, उनकी जो मदर है वो फर्स्ट टाइम इंडिया आने वाली है, तो वो इंडिया में उनका वेलकम करने वाले हैं। अभी देखते हैं उनका इंडिया को देखकर उनकी माँ का क्या रिएक्शन होता है। बड़ा मजा आएगा देखना, एंड तक चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज फिर से। एयरपोर्ट तो मम्मी बनाई थी, अरे माँ चौम चौम के क्या बात है। बार कह रही थी कि आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, लेकिन बेटा की माँ मान ही नहीं रही थी, बोल रही थी नहीं आऊंगी। मतलब मतलब जब हम दोनों सेटल हो जाएंगे तब आ जाऊंगी ऐसे बोल रही थी। मॉम इज सेइंग टू हिम, आई थॉट इरेनियंस और हुक्काबाज टोक्काबाज यू से ना, बट आई अंडरस्टूड इंडियंस आर मोर। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं मुंबई, कि बेटा की माँ आने वाली है अभी। अभी बेटा की हेल्थ थोड़ा मतलब खराब है, अभी हम जा रहे हैं। चलो देखते हैं, बताएंगे हमने कैसे प्लान किया है बेटा की माँ का इंडिया विजिट करना। मतलब अचानक सा पूरा प्लान है ये। चलो जाते जाते आपको पूरी स्टोरी भी बताएंगे और बेटा की माँ को भी लेके आएंगे। बेटा की हेल्थ थोड़ी खराब हो गई, पता नहीं क्यों। मतलब जब से उठी है उसको थोड़ा मतलब अलग सा फील हो रहा है, नौजिया और ऐसा। चलो देखते हैं। सो गाइस अभी मतलब बेटा की बहुत तबियत खराब हुई थी, मतलब वोमिटिंग फील हो रहा था, वीकनेस आ रही थी। जब उसने उल्टी कर दी अच्छा लग रहा है उसको। सो आथास और अभी यू कैन से ओला बुक खेले, वी आर गोइंग टू गो बाय बस। वी बुक टिकट टू द गाइस। आई वांट टू से हाउ माय मॉम डिसाइडेड टू कम। लेकिन बेटा की माँ मान ही नहीं रही थी, बोल रही थी नहीं आऊंगी। मतलब जब हम दोनों सेटल हो जाएंगे तब आ जाऊंगी ऐसे बोल रही थी। Also, my brother has to go to army because of the rules of Iran. In Iran, all boys have to go. That's why he cannot go outside of country till he didn't go to army. That's why my parents were not feeling to leave him also. But finally, what happened? Like nearly 2-3 weeks ago now. 2-3 weeks ago, I was talking to my mom. Then I told her, come, please come. Then she was saying, we'll come one day together, all of us. I was like, now Ali, because of his army, he cannot come. So at least you come here alone and little bit enjoy with us. Later also you will come, all of you together. Only once you want to come, we are like, together, we'll come. I forced her. She was like, let's see.
मैंने उसके बाद टिकट चेक कर दिया, मतलब टिकट चेक किया ऑनलाइन, मतलब बहुत सस्ता था टिकट, मैं मतलब आप भी क्या टिकट बुक करता हूँ मैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। She didn't even have visa also, but I said I'll book ticket for you. Then after that, visa also didn't came on. Visa bhi time se nahi aaya tha. After that, she was like, let me think, let me see. I said, now only. Today only you have to book the ticket. Then she booked the ticket. After that, visa also took nearly 2 weeks something. And her visa finally came 2-3 days ago. बस पे अभी बैठ के जाना है, स्टॉप है वहाँ पे, करेक्ट टाइम पे आ गए हम। 7:30 को यहाँ से बस थे हमारे, 7:30 को यहाँ आए यहाँ पे। He told me at 7. देखो कभी भी आपको बाहर जाना होगा ना बीबी के साथ, तो टाइम गलत बता देने का। मैंने उसको बोला पहले कि 6:30 को है, तो मैंने मॉर्निंग को देखा अभी तक थोड़ी तबियत खराब हो गई थी, तो मैंने बोला 7 बजे है, 7 बजे है, फिर अभी जब एड में बैठ गए फिर बोला कि 7:30 को है, मतलब अभी करेक्ट अभी देखो 7:29 हुआ है, मतलब सिर्फ 1 मिनट बाकी है, तो बस थोड़ा 1-2 मिनट या 5 मिनट आगे पीछे रहती है। चलो अभी नहीं मैं बस से चल रहे एयरपोर्ट चला है, बस मुंबई जाना है, यहाँ से 3 घंटे लगे, 3 घंटे लगेंगे सो जाएगी। ओके चलो फिर मिलते हैं वहाँ पे, बाय। सॉरी बेबी। Eyes are not getting open. Guys, you are seeing us after 4 hours, I think, no? 4 hours of sleep. Weather is hot. Humid or matlab गर्म है यहाँ पे वैसे मुंबई में, पुणे में बहुत अच्छा है। सी दैट एयरप्लेन, उसी पे तुम्हारी अम्मी है। Oh my god guys, I slept a lot, I was like dead. एयरपोर्ट आई थोड़ा वाला एयरपोर्ट से जाना थोड़ी दूर है, तो गाइस अभी हम आ गए हैं टर्मिनल 2 पे, एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट ऑफ मुंबई सो ब्यूटीफुल, सो ग्रीन एंड आई लाइक। छत्रपति शिवाजी महाराज, व्हाट इज टाइम नाउ बेटू? इट्स 12 एंड नियरली 2 आवर रिमेनिंग। एनीथिंग वी विल ईट नाउ, आई स्टिल फील नॉट विद एनीथिंग, आई विल ईट समथिंग, I'm hungry.
guys, just now, like this, we are waiting for my mom. And exactly here, first time I came, Bhagwan was waiting here for me outside. And I'm like, it's like yesterday all these things happened. Two years gone. मतलब 2 साल गए बीत गए लेकिन पता भी नहीं चला कैसे चले गए. ऐसा लग रहा है मतलब कल ही आया था मैं यहाँ पे, बिटा आ रही थी वहाँ से, मैं वेट कर रहा था उसके लिए. आज उसकी माँ आ रही है, रो रही है बेटा. आज बेटा की माँ आ रही है. How are you feeling? खुशी हो ना अंदर माँ गई. For first time after our marriage, and I am sad my brother and my dad are not there. If all of them were together, it was hopefully so, they will also come one day. Yeah. I just don't know if my mom. I told her when the police was sitting there, na, they will ask a lot of things, a lot of questions, and she don't know that much English. I said, don't try to so much explain English because they will ask more and more from you. I asked her, they ask you why you want to go, because they will ask why you are going to India. Then I told her what you will say. In English she said, my daughter lives in India. यार क्या बात मार दी. क्या बात नंबर क्या लेंगे नंबर We booked Uber. He's saying 3,500. He said 3,200. Now he's changing. My mom is saying, I thought Iranians are hookabas. Tokabas, you say, na? But I understood Indians are more. Now again, we have car. Guys, finally, once we wanted to go, that guy said 3,200 is fine. Before that, he was saying 3,200, I'll find car for you. Your experience, what that guy was saying? He said, I start in 3,200. Normal car will give. Now he's saying you have to pay 3,500. Like you don't want to, you know, what should you do, you know? सासुरों को डीजे ले आके चला. सासु माँ आई है तो भाई उनको तो गाड़ी में ले जा रहा, खुद बस पे आए हैं. तो नमस्ते दोस्तों, अभी पहुंच गए घर. Now Bhagwan is paying. We are so hungry. We want to go eat something after putting our things. Now this much luggage we have to go and put in home. Then we will go for eating something. Mommy. मैंने इंदिरा गांधी बना दिया भाई. तो अभी बहुत बहुत दुखी हूँ और कुछ खाना चाहिए. So let's go.
Let's see what we can give to my mom. क्या बात है भाई, मेहमान नवाजी मुझे अच्छी लगी है। हमें खुद बस पे आया और गाड़ी पे लेके आया, इतना ज्यादा रेंट पे करके। पाकिस्तानी 12-13 हजार रुपया इन्होंने रेंट पे करके ना, उन्होंने बोला कि टैक्सी वाला मांग रहा था 3500 रुपए, उन्होंने कहा नहीं भाई हमने देना है 3200 रुपया। 3200 रुपए में भी फाइनल डील हो गई। और अपनी सास माँ को तो भाई रिस्पेक्ट अच्छी लगी मुझे, वरना मतलब लोग होते हैं बस आने जलील करके लेते तो, लेकिन नहीं भाई उन्होंने बड़ा अच्छा किया। और उनको इंडिया में फर्स्ट टाइम वो आई है, मतलब उनकी शादी के बाद मतलब अपनी बेटी को देख के वो और अपने जो दामाद को देखकर, जवाई कहने लगी सामने दामाद को देखकर यार उनको इतनी तो खुशी हुई है ना। मतलब यार मुझे समझ में नहीं आता कि जो बाहर से लोग आते हैं ना तो वो पता नहीं किस इतने क्यों लेते हैं फेस पे, इतना चूमते हैं ये तुम्हारी बाहर से कोई लड़की आती है उनको। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कोई अगर पाकिस्तानी भी या फिर इंडियन भी कोई बाहर जाए ना, उन्हें देखा वो इसी तरह से हरकतें करते हैं। मतलब जैसे बंदा पता नहीं कितना उनको प्यार है हमसे यार क्या है, लेकिन ये दिखावा नहीं था क्योंकि वो उनकी बेटी अपनी है ना, तो उनका और ईरानी लोगों में मैंने ना अभी ये चीज देखी है, ये भी वहां पे गए थे ना तो वहां पे भी ना वो इसी तरह से उन्होंने उनको किस की, इस तरह से प्यार करते हैं और इस तरह से वो आए हैं तो वो भी इस तरह से। लेकिन ये हो सकता है उनका प्यार दिखाने का एक मतलब अपना अंदाज हो, हमें नहीं पता परेशान लोगों के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। लेकिन काफी अच्छा लगा इन दोनों का ब्लॉग मुझे जो है ना, और उनकी सास इतनी ज्यादा स्मार्ट थी, अम्मी कहती इंदिरा गांधी लग रही है मुझे, हमें बताए हमको क्या लगे इंदिरा गांधी इंदिरा यार स्मार्ट कितनी है वो भी ऐसे थी। नहीं नहीं मतलब आप कहती है मेरा पेट छोटा हो जाए छोटा हो जाए, ये लोग जो है ना बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े पता नहीं यार ये क्या खाते हैं, ये असल में ना कावा पीते हैं हर खाने के साथ, ठंडा पानी पीते ही नहीं, हाँ ठंडा नहीं पानी पीते, ये चीज है। और हमने ठंडा पानी पीना जरूर हमने ठंडा, और ये लोग ठंडा पानी नहीं पीते, तो ये चीज मुझे लगता है हाँ रोटी के साथ हर मतलब कावा पीते रहते हैं, जो उनको ना एक मतलब मुझे लगता है कि स्मार्ट बनाता है। लेकिन यार बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्लॉग लगा उनको इंडिया में, आज बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल लगा। अभी देखेंगे आने वाले ब्लॉग में कि उनको क्या लगता है इंडिया का खाना खा के ये वो करके। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताना भूल जाए। थैंक यू।